हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट। टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सीसेट की, इन दैट केस जो एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर का थोड़ा एनालिसिस कर चुके हैं, दे शुड नो कि जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। अगर आपके पास जो क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के अंदर मिल रहे हैं, और आपको टिपिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मिल रहे हैं। तो आज के अंदर मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपने ये देखना है कि क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, क्या हमारी तैयारी है कुछ, क्या हम सिंपल क्वेश्चन अगर हम कर पा रहे हैं तभी हम ये मान के चलेंगे कि जो L3 लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस आपके पास एनालिटिकल टाइप्स के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, सभी ने साथ में सॉल्व करना है, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल चेक कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, क्या हम सिंपल कुछ क्वेश्चंस को कर पाते हैं, क्या हम सी सेट के लिए अपने आप की ये मान सकते हैं कि हमारी 5-10% की प्रिपरेशन है। तो उसके लिए अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी डिस्कस। आपने चेक करना है कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, एंड देन यू विल कमेंट एट द लास्ट ऑफ द क्लास कि इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। डन। सो लेट अस स्टार्ट। ज़्यादा बातें नहीं करते, सिंपल क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में स्क्रीन पे, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? द इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन बी। कह रहे ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, ठीक है, एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी, और बी की इनकम 25% लेस है सी से। देन द परसेंटेज, व्हाट परसेंट लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम। तो बताओ ए की इनकम सी से कितना परसेंट लेस है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो पॉइंट है, क्या कह रहे हैं कि 20% हायर है। फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द ए एंड बीज इनकम। ए और बी की इनकम की हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ए और बी, 20% मीन्स वाट, दिस इज 1/5 मीन्स वाट, इफ द इनकम ऑफ बी इज 5 देन एज इनकम इज 6। सो आई हैव रेशियो बिटवीन ए एंड बी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी। 25% दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स इफ द इनकम ऑफ सी इज इक्वल टू 4 देन क्या कह रहा है, लेस देन, कम है, दैट मीन्स दिस इज 3:4। देन वी कैन फाइंड आउट द कलेक्टिव रेशियो। कलेक्टिवली देखिए कितना है, 18, 15 एंड 20। ओके, अब बात यहाँ पे आ रही है कि हाँ जी क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्योंकि इनकम तो किसी की भी गिवन नहीं है कि हाँ जी किसी की 5,000 है, 7,000 है, कुछ भी इस तरह से कुछ गिवन है कि हाँ जी। तो अब इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी हैव द रिलेटिव वैल्यूज एंड आई ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू इन परसेंटेज, दैट मीन्स कि वी वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव वैल्यू ओनली, है ना। तो उस केस के अंदर क्या कहा उसने, ए की इनकम सी से कितना परसेंट लेस है, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी कितना यूनिट लेस है, ए लेस देन सी, टू यूनिट्स लेस है। एंड कंपेयर किसके कंपैरिजन में करना है, हमने सी से कंपैरिजन करना है। सो सी की वैल्यू क्या है आपके पास में, दिस इज 20/100, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज 10%, क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा आपसे। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 10% विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है, ये जिन जिन का भी 10% आंसर आया, दैट इज करेक्ट आंसर। मार्क कर लीजिए कि एक मेरा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास। नेक्स्ट इज ए वाटर पाइप इज कट इनटू टू पीसेस। इस बार भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में भी। क्या है, ए वाटर पाइप इज कट इनटू टू पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ, बाय हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस
इज लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस, कह रहा जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस से कितना परसेंट ज्यादा है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो मैं कह रही हूँ ये पाइप है, डाटा किस में है, परसेंटेज के अंदर। लेट अस से आवर पाइप इज ऑफ 100 यूनिट लॉन्ग, है ना, तो क्या कह रहा है, लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ लेंथ, दैट मीन्स दिस इज 70, टोटल इज 100, ओके, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, दिस इज शॉर्टर पार्ट, दिस इज 30, क्लियर। नाउ द थिंग इज कि लॉन्गर शॉर्टर से कितना परसेंट ज्यादा लॉन्गर है, सो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो लॉन्गर जो पीस है लॉन्गर देन शॉर्टर पीस, कितना है, हाँ जी कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि 40 लॉन्गर है, यही कहा है ना उसने, देन द शॉर्टर पीस कह रहा है, क्या कह रहा है, देन द शॉर्टर पीस, अब देन के बाद क्या आ रहा है, शॉर्टर पीस, दैट आई मीन्स व्हाट, आई वांट टू कंपेयर इट विद दिस। जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, परसेंटेज के अंदर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय व्हाट, जिससे हमने कंपेयर किया है, इनटू 100, सो योर आंसर विल बी 400/3%, सो आंसर विल बी 400/3%। अब जिन जिन का भी 400/3% है, दैट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है उनका, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई इसमें डाउट, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 लीटर ऑफ मिल्क वाज पोर्ड इनटू ए टब, एक टब के अंदर क्या कह रहा है कि 38 लीटर मिल्क डाल दिया, एंड द टब वाज फाउंड टू बी 5% एम्प्टी, दिस इज ए टब एंड वी पुट मिल्क इन दिस टब, कितना, 38 लीटर एंड दिस इज 5% एम्प्टी, 5% एम्प्टी। अब यहाँ पे देखिए 5% एम्प्टी है, दैट मीन्स कि फिल्ड कितना है, फिर हमने ये देखना, तो उसने बता दिया आपको कि 5% एम्प्टी है, देन यू शुड नो दैट कि टोटल इज इक्वल टू ऑल 100%, ऑलवेज टोटल इज इक्वल टू 100%, दैट मीन्स व्हाट, कि जो फील्ड पार्ट है हमारे पास में वो कितना है, 95%, एम्प्टी पार्ट कितना है, 5%। जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टू कम्प्लीटली फिल द टब व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल मिल्क मस्ट बी पोर्ड, कह रहा कितनी अमाउंट और उसके अंदर डालनी पड़ेगी कि उसको फिल करना है, कितनी अमाउंट और डालनी पड़ेगी, 5% अमाउंट और डालनी पड़ेगी, बिकॉज 5% एम्प्टी है, 5% एम्प्टी है, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव वैल्यू 38 लीटर, दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू आई हैव, दैट मीन्स व्हाट, आई कैन कंपेयर इट विद द रिलेटिव वैल्यू, मीन्स परसेंटेज के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हो, सो दिस इज 95% फिल एंड हेयर आई कैन सी देयर इज 38 लीटर ऑफ मिल्क इज देयर, सो 95% इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 38 लीटर, 1% इज इक्वल टू, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट, 5% कितना और फिल करना पड़ेगा, 5% और फिल करना पड़ेगा, दैट मीन्स 5% इज इक्वल टू व्हाट, 38/95 × 5, दैट मीन्स दिस इज 2 लीटर, दैट मीन्स कि कितना लीटर वाटर, सॉरी मिल्क और हमने उसके अंदर डालना पड़ेगा, 2 लीटर ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड टू फिल द टब, डन। जिन जिन कैंडिडेट्स का 2 आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है, जिन जिन का भी 2 आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए फिर, दीज आर ऑल इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको 3 लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे लेवल 1 के, ठीक है।
मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे एल टू के, और आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसके अंदर एनालिटिकल टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, वाटर कंटेन्स 40:2/7%, दिस इज 40:2/7% ऑफ हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। वाटर में क्या कह रहा है, 40:2/7% क्या है, हाइड्रोजन है एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। इन 350 mg ऑफ वाटर ऑक्सीजन विल बी, कह रहा है कि ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी। अब हमें पता है 40:2/7% इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/7, 1/7। फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड आउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो। अब उसने क्या कहा, 40:1/7, दैट मीन्स व्हाट, कि जो 1 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज हाइड्रोजन एंड द रिमेनिंग टोटल कितना है आपके पास में, 7, 7 के अंदर से जो 6 है दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन, क्लियर। टोटल कितना आपके पास, 7। अब हमारे पास पता क्या जी, 1:7 में आ गया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 350 ग्राम, दैट मीन्स व्हाट, दिस 7 यूनिट इट इज इक्वल टू व्हाट, 350 ग्राम, 1 यूनिट इज इक्वल टू बाई 7, दैट मीन्स की 50 ग्राम, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 50 ग्राम एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6 × 50, 6 यूनिट इज इक्वल टू 300 ग्राम्स। सो आंसर विल बी व्हाट, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन के अंदर, ऑक्सीजन विल बी, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 300 ग्राम। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लियर। हाँ जी क्लियर। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन आपसे पूछी गई है कि कितनी है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है 6/7 पार्ट किसके इक्वल है आपके पास में, 6/7 पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन का है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या है आपके पास में 350, 1 यूनिट इज इक्वल टू 350, सो 6/7 यूनिट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 6/7 यूनिट्स किसके इक्वल होंगी, 350 × 6/7, बिकॉज अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में देन टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 100%, ओके। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन के अंदर देन टोटल इज इक्वल टू 1। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, जो आपको ईजी लगता है देन यू विल चूज दैट मेथड, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, टू एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट नीड 40% मार्क्स, 40% मार्क्स लेने हैं उसको, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं, ए कैंडिडेट जस्ट पास्ड बाई 10 बाई गेटिंग 10 आंसर्स करेक्ट, 10 क्वेश्चन उसने करेक्ट करे एंड ही इज पास, क्या है वो, पास है, बाई अटेम्प्टिंग 15 ऑफ टोटल क्वेश्चन, उसने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जिसमें से 10 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे और वो पास हो गया, देन अब यहाँ पे हाउ मैनी क्वेश्चन आर देयर इन द एग्जामिनेशन। अब ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जस्ट कन्फ्यूजन के लिए आपको क्या कहा गया कि उसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग गिवन, कोई नेगेटिव मार्किंग तो गिवन नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट मीन्स वट, कि जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आर इक्वल टू वट, द पासिंग मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स आर 40%, है ना, 40% क्या है, पासिंग मार्क है, और वो क्या कह रहा है कि 40% उसको चाहिए था, तो 40% इज इक्वल टू व्हाट, 10 करेक्ट आंसर, 10 जो है, सो 1% इज इक्वल टू व्हाट, 10/40 एंड
when I say कि टोटल कितने क्वेश्चंस है, टोटल इज इक्वल टू ऑलवेज 100%, सो 100% इज इक्वल टू व्हाट, 10/40 × 100, दिस इज इक्वल टू 25. सो देयर वर टोटल 25 क्वेश्चंस इन द एग्जाम, देयर वर टोटल 25 क्वेश्चंस, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सो अभी इन क्वेश्चन से कुछ पता चल रहा है करेक्ट है नहीं है? इजी क्वेश्चन है, कर पा रहे हो सभी, कर पा रहे हो? अभी हमारे पास में प्रैक्टिस कितनी करनी, इससे हमें पता चल जाएगा कि मैं इजी क्वेश्चंस को कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहे. डन, ओके. अगर आप लोगों को लगता है कि हम इजी कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वी नीड मोर प्रैक्टिस, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे और कर लेंगे, देन वेल एंड गुड. अगर हम इजी क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे, देन हाउ डज वी विल सोल्व द क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांट, बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, बेस्ड ऑन इंग्लिश. तो उसी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अभी पीडी आप लोगों के लिए लेके आया है. जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट कराए गए हैं. हर एक टॉपिक बिल्कुल इजी लेवल से, इजी बिकॉज आपने देखा होगा कि लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर. क्वेश्चंस अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी उठाते हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन रेयरली कुछ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे अभी आज की क्लास के अंदर मैंने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराए, रेयरली मिलेंगे उसके अंदर से, ठीक है ना. अब जो बाकी के जो क्वेश्चन है दे आर आल लॉजिकल क्वेश्चंस, तो लॉजिकल क्वेश्चन है बट उसके लिए बेसिक्स तो क्लियर होना जरूरी है. सो बिल्कुल बिगनिंग से जीरो लेवल से स्टार्ट करवाया गया है, बिगनिंग से लेवल वन से स्टार्ट करके आपको लेवल थ्री तक लेके गए हैं हम हर एक टॉपिक के अंदर, ओके. सो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दे कैन ज्वाइन. एंड विद ईच लेक्चर देयर इज ए टेस्ट अटैच्ड, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर टॉपिक कितना मेरा प्रिपेयर है, कितना मुझे समझ आया है, ओके. डाउट सेशंस आर आल्सो अवेलेबल, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर क्लास, लाइव क्लासेस के अंदर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. अगर आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे हो, क्या होता है कि जैसे लाइव क्लास है, द लाइव क्लास ऑन द सेम टाइम बिन रिकॉर्डेड की साथ साथ में रिकॉर्ड हो रही है, इन दैट केस कि अगर आपको बाद में भी लेक्चर को चेक करना है एट द सेम टाइम, इफ़ यू आर नॉट एबल टू वॉच द लेक्चर, इन दैट केस आप रिकॉर्डेड लेक्चर को बाद में चेक कर सकते हो, ओके. और साथ में एक और पॉइंट भी काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में आता है, क्यूरीज है, क्या हम मल्टीपल टाइम एक वीडियो को चेक कर सकते हैं? यस, यू कैन चेक द वीडियो मल्टीपल टाइम, यू विल गेट 365 डेज वैलिडिटी टिल योर एग्जाम. एग्जाम तक है सभी के पास में, उसके बाद तक भी टोटल 365 डेज, पूरा वन ईयर का वैलिडिटी टाइम है. आप टेस्ट को जितनी मर्जी बार चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो. यू कैन वॉच योर वीडियो अनलिमिटेड टाइम्स, ओके. वेब नोट्स एंड PDF ऑफ द लेक्चर इज ऑल्सो अटैच्ड विद ऑल द लेक्चर्स. अभी 3 डेज का इसके अंदर फ्री ट्रायल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो. ट्रायल लो, उसमें चेक करो कि हाँ जी आप कर पा रहे हो, कुछ समझ आ रहा है आपको. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, इन दैट केस वो भी समझ आएगा आपको, एंड इन दैट केस यू कैन फर्दर प्रोसीड फॉर द कंप्लीट कोर्स. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. थैंक यू.